दिल्ली पुलिस के साउथ जिला के स्पेशल स्टाफ ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो अदालत द्वारा भगोड़ा था और जिस पर 20,000 का इनाम भी घोषित था। इस पर घर में चोरी, सेंधमारी, शस्त्र अधिनियम और डकैती करने आदि के 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। साउथ जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि 27 जून को जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम को शाम करीब 4 बजे मधुबन चौक के पास इनामी शेख रहीम उम्र 30 की मूवमेंट के बारे में गुप्त सूचना मिली। इस सूचना के मिलते ही एसीपी ऑपरेशन विजेंद्र सिंह की देखरेख में एसआई संजय, हेड कांस्टेबल राजीव, सुरेश और रमेश की टीम ने शाम 4:35 बजे वांछित अपराधी को पकड़ने के लिए मधुबन चौक के पास छापेमारी की। पुलिस पार्टी को देख आरोपी ने ट्रैफिक का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन हेड कांस्टेबल रमेश ने साहस दिखाते हुए पीछा कर वांटेड शेख रहीम को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो एक पेशेवर चोर है और अपराध शाखा आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तारी से बचता रहा है। गत 12 मई को आरोपी को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। शेख रहीम आदतन एक चोर है और घर में चोरी करने वाले औजारों से ताले तोड़ता है। वो विशेष रूप से नकदी, गहने और अन्य महंगे सामानों की चोरी करता है। पुलिस ने बताया कि वो गैंग चलाता था और पूरी दिल्ली के साथ साथ NCR क्षेत्र में भी सक्रिय है। शेख रहीम को अपराध शाखा के एक मामले में अदालत द्वारा भगोड़ा भी घोषित किया गया है। इसके भाई अब्बास शेख को भी क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार शेख रहीम घर की चोरी, शस्त्र अधिनियम और डकैती के 20 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी देश में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।